वेलकम 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 टू जयान सर क्लासेस। आई एम जयान योर ऑल सब्जेक्ट्स टीचर फ्रॉम इंडिया। लेट्स गेट टू वर्क। सो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं सर? इंटीजर्स हमारे बेसिकली ऑल नंबर्स। ओके सर, ठीक। तो अब ये बात आती है नंबर्स तक। ठीक, नंबर्स कहां से शुरू होते हैं बेटा? जीरो से। ठीक, जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 एंड टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है हमारे बेटा? ये इंटीजर्स हैं। ठीक, अब बात आती है कि इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कहां पर होता है? क्या होता है इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कहां पर होता है? इंटीजर्स का बेटा रिप्रेजेंटेशन होता है एक लाइन के ऊपर। किसके ऊपर? एक लाइन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन। और जिसके बेटा सेंटर में होता है, और जिसके बेटा राइट साइड में होती है। देखा, वीडियो शूट करने से पहले पढ़ाने का नतीजा थोड़ा सा आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये होते हैं हमारे बेटा राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं प्रॉपरली अब तो। और इसके हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं बेटा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक बेटा, अब बात ये आती है कि सबसे बड़े राइट हैंड साइड पे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्या करते हैं? -1, -2, -3 मोस्ट कॉमन मिस्टेक। ठीक, तो हमने आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा आप क्या? ठीक, तो हमारे जो रशियन अल्फाबेट होते हैं वो बेटा कितने होते हैं? 33। ठीक, जिसमें से हमारे दो साइंस होते हैं। ओके, साइंस कौन कौन से होते हैं? सॉफ्ट साइन और हार्ड साइन। ठीक, अब मैं आपको उनकी शक्ल दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं ये। सॉफ्ट साइन ये होता है और हार्ड साइन ये होता है। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ऑफलाइन क्लास। ओके, तो हमने उस लेक्चर में पढ़ा था कि हमने पूरी थ्योरी पढ़ी थी कि रशियन अल्फाबेट की क्या थ्योरी है। आज हम रशियन अल्फाबेट के अंदर और आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे बाकी के स्टूडेंट्स आ चुके हैं, उस दिन खाली एक ही आया था क्योंकि सिर्फ बारिश हो रही थी। ओके, हम शुरू कर रहे हैं बेटा रशियन अल्फाबेट। रशियन अल्फाबेट हमने उस दिन पढ़ा था 33 होते हैं। इसमें हमारे दो साइन होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमने अल्फाबेट्स। हमारा बेटा पहला था आ, फिर आता बेटा हमारा बे, फिर आता बेटा हमारा वे, फिर आता हमारा गे, दे, ये, यो, ये। हंसना नहीं है यार, यही तो चीज है। हम भी हंसते थे जब हमारे प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे, तो हम भी ऐसे ही हंसते थे जब तुम हंस रहे हो ना, सेम बिल्कुल यही हमारा रिएक्शन रहता था जब वो कहते थे ज़, करो बेटा। ठीक है, तो हम लोग भी ऐसे ही हंसते थे। ठीक है, तो हमारे प्रोफेसर भी हमसे तो गुस्सा होकर बोलते थे बेटा अगर आपको नहीं पढ़ना अफ्रीकन स्टडीज में जाइए, ये आपके लिए नहीं है। तो ये वाली चीज है। तो आ, बे, वे, आ, बे, वे, गे, दे, ये, यो, जे। कितने हो गए बेटा ये अल्फाबेट्स? मैं आपको सारे अल्फाबेट्स एक साथ नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाऊंगा, जिससे कि
आपको उनको प्रॉपरली प्रोनाउंस करना सीखो पहले, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दूंगा खाना, आप खाने को तो खा लोगे, फिर दोबारा आ जाओगे सर और खाना दो, लेकिन एक साथ बहुत सारा खाना दे दूंगा, सर पेट खराब है आज मैं नहीं आ रहा, वेस्टेज है, ठीक है। यहाँ पर बात जो होगी हमारी, वो हमारी बात यहाँ पर होगी आज इस लेटर पे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं पता नहीं क्यों, ठीक है। ये है बेटा हमारा, जैसे बी होती है ना, बी बस की साउंड आती है, बी मधुमक्खी होती है, मच्छर आया था कान पे, ये वाली साउंड है, ठीक है, समझ गए। हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, ओके। खराशो खराशो, तो खराशो का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है? किसने बताया आपको? अच्छा तो बेटा इसकी क्या साउंड है? अभी हमें इसकी साउंड पर काम करना है, फिर अगली साउंड बाद में, पहले इसको क्लियर करेंगे। क्या बोलिए? चलिए बोल के दिखाएंगे बारी बारी। ये, ये, ये। अभी नेक्स्ट कौन आ रहा है? तू आ जा, छुट्टी कर जल्दी से आकर। पढ़ के सुनाइए क्या 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 लेटर है। द, वे, गे, दे, ये, यो, जे, जे, जे। दांतों को मिला और जुबान को फड़फड़ा। प्रैक्टिस करना है, जैसे मधुमक्खी बिन में आती है ना वैसे करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन आ रहा है जल्दी? बेटा मैंने क्या बोला, पढ़ाई में मजा ढूंढो। अभी ये तुम्हें मजा आ रहा है ना इसमें को पढ़ने में, हंसी आ रही है ना, कितना फन चीज है, तो उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आ आ बे बे वे 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 वा 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 वे वा वा वे वे गा से गमला, गा से गैया, ठीक है। गे गे, ठीक है। अबे और ये बेटा हमारा दे दे, दा से दही, दा से दही, ठीक है। दे दे, और ये बेटा ये ये ये, और ये बेटा यो यो, और ये जे 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 जे, अरे जे जे जे। चलो मैं तुम्हारे लिए इसको इजी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसकी साउंड क्या है। जेड एच ई एच जे 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 जे। हेलो बेटा, खराश हो, बैठो बैठो। हाँ जी, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर कर आना, ठीक है, ओके। आज क्या सीखे बेटा, अक्षर कौन से सीखे, कितने अक्षर ऐड हुए, हमने कम से कम कितने पढ़ाए थे आपको? पांच पढ़ाए थे, कितने पढ़ाए थे? पांच पढ़ाए थे ना, आप कितने ऐड हो गए उसमें? तीन और ऐड हो गए ना, अभी आठ हो गए। अब थोड़ा सा खाना और दे दिया मैंने, अब पूरे को खा कर आओ और कल मुझे बताओ, ठीक है। तबीयत देखेंगे आपकी, फिर आपको उसी हिसाब से दवा मिलेगी, ओके। वेरी नाइस बेटा, तुम उठ कर आई, हिम्मत चाहिए होती, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। वन थिंग आई डोंट नो व्हाई, इट डजंट इवन मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time, all I know, time is a valuable thing, watch it fly by like a pendulum swing, peace, peace.